गुड मॉर्निंग <coughs> कैसे आप लोग आप सभी लोगों मेरा प्यार भरा नमस्कार और मैं ये पी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म टेस्टबुक पर सो so, जल्दी से आइए फिर फटाफट सेशन को ज्वाइन करिए मुझे बताइए इस ऑडियो वीडियो इज क्लियर और नॉट सब कुछ क्लियर है नहीं है सभी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग भाई सोचिए जाइए फटाफट सेशन का ज्वाइन करिए मुझे बताइए इस द ऑडियो वीडियोज़ क्लियर सब कुछ क्लियर के जीत गुड मॉर्निंग बहुत दिनों के बाद के जीत आप दिखाई पड़े हैं बहुत दिनों के बाद के जीत आफ्ट सो मच लॉन्ग टाइम गुड मॉर्निंग मैं बढ़िया मिनल जी आप कैसे हैं सब खैरियत है जीडी के बैच कितने का है मुझे नहीं पता है देख देख, देख के बताऊंगा जीडी डी का बैच कितने का है सच में मुझे नहीं पता है मुझे पता लगे बता दूंगा मैं आपको राइट right? चलिए आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले करेंगे हम लोग आज का रिविज़न जो कि रिविज़न हमारा है जो हम पुरानी क्लास होती है उस क्लास में हम लोग जो क्वेश्चन आते हैं उनको रिवाइज कर दें ताकि हम लोगों को वो याद रहे तो ये है रिविज़न का पर्पज़ और कुछ नहीं है तो सबसे पहला सवाल यह था यहाँ पर कि किस राज्य ने सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन की यहाँ पर मेजबानी की है ज़रा बताइए चलो गुड मॉर्निंग प्रशांत गुड मॉर्निंग आशीष पटेल गुड मॉर्निंग बाकी गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग चलो गोवा आंसर जाएगा आंसर बेटा नोट करेंगे आंसर हो जाएगा गोवा राइट right? आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ कि जमशेदपुर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टील सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला भारत का पहला प्लांट कौन सा बन गया है विच बीन बिकम द फर्स्ट प्लांट इन इंडिया टू गेट जमशेदपुर रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन तो यहाँ पर जाएगा ये इसका आंसर हो जाएगा टाटा स्टील लिमिटेड टाटा स्टील लिमिटेड हो जाएगा इसका जवाब वेरी गुड चलो टाटा स्टील लिमिटेड टाटा स्टील लिमिटेड आगे बढ़ेंगे किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया है तो द चीफ मिनिस्टर ऑफ द विच स्टेट हैज लॉन्च सिटीजन एंगेजमेंट एंड द कम्युनिकेशन प्रोग्राम असम त्रिपुरा अरुणाचल प्रदेश और द मेघालय असम त्रिपुरा अरुणाचल प्रदेश मेघालय जवाब क्या हो जाएगा मेघालय सही आंसर हो जाएगा बेटा से मेघालय आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ कोलिंस डिक्शनरी द्वारा किस को वर्ड ऑफ द ईयर का दिया गया है में? Which word 2022 में विच वर्ड ऑफ द ईयर 2022 हैज बीन चूज इन कॉल कॉलंस एन एफ टी या फिर परमा क्राइसिस आधार और द लॉकडाउन बताए बेटा जल्दी से तो आंसर क्या हो जाएगा एनएफटी परमाक्राइसिस और आधार या फिर हो जाएगा हमारा कौन सा लॉकडाउन आंसर कौन सा हो जाएगा परमा क्राइसिस परमा क्राइसिस हो जाएगा ठीक है परमा क्राइसिस इज द राइट आंसर क्लियर वेरी गुड आगे बढ़ेंगे अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और सवाल को देखते हैं एक बार कि किस बैंक के द्वारा भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया गया है तो बिच बैंक हैज ऑर्गेनाइज इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशनल बैंक या फिर इंडियन पेमेंट बैंक या फिर आप आ जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक इनमें से कौन सा जवाब आपका सही होगा बताएं जल्दी से तो यहाँ पर देखेंगे किस बैंक के द्वारा भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया गया है पहला फ्लोटिंग गुड मॉर्निंग संकित गुड मॉर्निंग सो मैं जी नंबर मैं ऐसे नहीं दे सकता हूँ ऐसे नंबर मांगते भी नहीं किसी का राइट आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए वहाँ मुझे मैसेज कर दिएगा जो भी आपका डाउट होगा वहाँ रिजॉल्व हो जाएगा राइट ऐसे मैं नंबर नहीं दे सकता हूँ सबको क्लियर चलिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा एस बी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और यहाँ पर हो जाएगा आपका कौन सा कोटक महिंद्रा बैंक क्लियर आगे हो जाएगा यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अभी नंबर मैंने लिख दिया यहाँ पर पता लगा तुम में से ही कोई मुझे सुबह सुबह बढ़िया वाली गाली लिख के भेज रहा है गुड मॉर्निंग डैश 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 कैसे हो क्योंकि यहाँ पर भी एक दो लोग आ जाते हैं तो आपको क्या लगता है एक नंबर भी नहीं देंगे कुछ भेजने लगें क्या पता कुछ तो ऐसे होते रात के तीन बजे कॉल कर देते हैं <coughs> एक बार एक लड़के पास नंबर चला गया तो मैं सो रहा था रात के ढाई बजे वीडियो कॉल कर रहा है लड़का ढाई बजे वीडियो कॉल कर रहा है मैंने घाटा एक बार फिर दोबारा किया फिर काटा फिर त्योारा किया फिर काटा ठीक है फिर उसने करीब तीन बजे के आसपास किया तो मैंने उठाया अपने भाई कौन हो क्या हो क्या देखो समस्या है मुझे आपको इमरजेंसी होगी तो देखो सर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं उसने अपने पाँच छः दोस्तों का ऐसे वीडियो दिखाया मैंने हाथ धो रखी है फिर मैंने उसका वीडियो कॉल नहीं उठाया फिर बाद में लड़का वो मुझे उल्टा बुरा बोलने लगा कि तुम तो बहुत वो हो ये हो वो हो कॉल नहीं उठाते हो जब देखो दिन में कम से तीन बार कॉल कर रहा है मतलब ती कॉल तो अगर कोई मेरी गर्लफ्रेंड होती वो भी नहीं करती जितना वो कर रहा था तो कभी कभी ना ऐसे फंस जाते हैं भाई तो इसलिए नंबर देना थोड़ा सा खतरे से खाली नहीं होता है ठीक है हाँ मैं सही बता रहा हूँ हाँ लड़का ही था लड़की नहीं थी आगे बढ़ते हैं इसके अलावा किस शहर में फोर्टी वन अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है इन विच सिटी दी फर्स्ट इंटरनेशनल बुक फेयर हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड लंदन ढाका नई दिल्ली शारजहा लंदन ढाका नई दिल्ली शारजहा कोई हो सकता अच्छा मैसेज करें नहीं वो तो अच्छे लोग तो ज्यादा हैं ही दुनिया में दुबई जी लेकिन ऐसे देना अलाउड भी नहीं होता है कि आप नंबर अपना ऐसे करके बांटते फिरो कंपनी के भी कुछ नॉर्म्स होते हैं राइट वो भी चीज है तो ऐसे नहीं दे सकता समझो मेरी बात को लंदन ढाका नई दिल्ली एंड द शारजहा चलो आंसर क्या हो जाएगा से बेटा शारजहां हो जाएगा राइट इज इस दा। राइट आंसर शाहजहां नहीं है शाहजहां है एक जगह है शारजहा चलिए आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन था कि किस राज्य द्वारा ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी करने की घोषणा की है तो विच स्टेट हैज कप टू होस्ट द ट्रैक एशिया कप 2022। ट्रैक एशिया कप 2022 बताइए जल्दी से किसने घोषणा की है यूएई यूएई फिर केरला चलिए केरला इसके अलावा हो जाएगा राइट तो आंसर हो जाएगा यहाँ से केरल चलिए आगे बढ़ेंगे इसके अलावा क्वेश्चन था कि किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है इन से स्टेट द वर्ल्ड लार्जेस्ट मनुस्क्रिप्ट लाइब्रेरी इज बिंग बिल्ड झारखंड गुजरात उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़ इनमें से किस जगह पर मनुस्क्रिप्ट लाइब्रेरी जो है बनाई जा रही है विश्व की सबसे बड़ी और वो स्टेट हो जाएगी हमारी कौन सी यहाँ पर जाएगी गुजरात तो गुजरात में मनाई जा रही है तो इसका भी आंसर गुजरात हो गया चलो बढ़िया चीज है आगे देखते हैं विश्व जेलीफिश दिवस का मनाया जाता है वर्ल्ड जेलीफिश डे इज सेलिब्रेटेड ऑन बेटा सोमेटा कहा सौम्या गए कि हो आप गुड मॉर्निंग जो ही दुप दुप दुबे जी गुड मॉर्निंग तो यहां पर एक नवंबर दो नवंबर तीन नवंबर चार नवंबर तो आंसर यहां से क्या हो जाएगा बेटा आपका हो जाएगा आंसर यहां से तीन नवंबर हो जाएगा राइट थ्री नवंबर इज द राइट आंसर ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं है आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप नोट कर लो, लो कर लो कोई अगर डाउट होगा तो आप लोगों को तो यहाँ पे मुझे बता सकते हो ठीक है बाकी अगर हाँ बाकी बाकी अगर हाँ यहाँ ऐस कर सकते हो गूगल पे सर्च कर सकते हो मुझे सर के नाम से वहाँ भी मैं आपको मिल जाऊंगा यूट्यूब पर भी मिल जाऊंगा हर जगह मिल जाऊंगा बाकी इंस्टाग्राम अगर आपको मेरा चाहिए हो तो इंस्टाग्राम लिए आप यहाँ पर ये यह सर्च कर सकते हो बस ठीक यहाँ से मिल जाऊंगा राइट तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं क्लियर तो यहाँ से आप मैसेज कर सकते हो नंबर थोड़ा देना अलाउड नहीं होता ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा यहाँ से क्या आता है कि भारतीय एक्सिम बैंक ने व्यापार को बढ़ावा देने हैं तो किस देश के अग्रणी बैंक के साथ समझौता किया है तो एक्सिम बैंक ऑफ द इंडिया टाइड अब विद विच कंट्री इज लीडिंग बैंक टू प्रमोट ट्रेड कैनेडा ऑस्ट्रेलिया या फिर अमेरिका या दक्षिण अफ्रीका कौन सा हो जाएगा गुड मॉर्निंग बाल मुकुंद जी गुड मॉर्निंग राधा गुड मॉर्निंग काजल तो आंसर क्या होगा आंसर बताइए कनाडा ऑस्ट्रेलिया अमेरिका और दक्षिण अमेरिका आंसर क्या होगा जरा बताएं तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका दक्षिण अफ्रीका साउथ अफ्रीका हो जाएगा राइट साउथ अफ्रीका इज द राइट आंसर साउथ अफ्रीका होगा भाई कहाँ लगा रही होना जी ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा साउथ अफ्रीका होगा डी इज द राइट आंसर अब बढ़ते हैं कुछ हमारी हेडलाइंस है। की तरफ दो तीन हेडलाइंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है आज के पेपर में वो देख लीजिए एक बार जैसे कि पहली हेडलाइन पीएम मोदी ने गुजरात में सामूहिक विवाह कार्यक्रम पापा नी परी लग्नोत्सव की शिरकत की तो एक गुजरात का एक कार्यक्रम है जिसमें कि सामूहिक विवाह किया जाता है सामूहिक विवाह का जो नाम है वो है पापानी परी लग्नोत्सव पापानी परी लग्नोत्सव नाम है इसका ठीक है ये ठीक और मोदी जी कहे थे यहाँ पर तो हो सकता है कि आपका एग्जाम में पूछ दिया जाए कि हाल ही में अभी आ, क्या बोलते हैं एक उत्सव है जिसका नाम है पापानी परी लग्नोत्सव गुजराती में मतलब पापा की परी को बोलेंगे पापानी परी तो पापानी परी लग्नोत्सव में शिरकत की यहाँ पर तो यहां पर आंसर जाएगा कौन सा गुजरात तो गुजरात का ये जहाँ पर सामूहिक विवाह कराया जाता है और बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं बहुत सारे ऐसे घर होते हैं जहाँ पर शादी का पूरा खर्चा उठाने के लिए पैसा नहीं होता है क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो कल्चर चलता चला आ रहा है उसके अकॉर्डिंग एक बहुत बड़ा भव्य समारोह होना चाहिए कम से कम तीन चार सौ लोगों को बुला के खाना खिलाओ भले ही घर वालों पैसे ना हो या ना हो वो पैसे लेके इधर उधर से तब भी बोलो क्या करते हैं प्रोग्राम को करते हैं और जो ज्यादा जिम्मेदारी आती है वो लड़कियों के ऊपर आती है लड़कियों के माँ बाप के ऊपर आती है और सोसाइटी में थोड़ा सा ये गलत है दोनों को बराबरी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए इस चीज़ की ठीक है ऊपर से दहेज देना पड़ता है लड़की वालों को तो ये भी थोड़ा गलत है राइट तो ऐसे में एक परी के साथ माँ के मगरमच्छ अच्छा चलिए भाई अब पता नहीं आपको लड़के मगरमच्छ क्यों लगते हैं आई नो हमको तो लड़कियां तो परी लगती हैं चलिए पाकिस्तान अपने विदेशी मुद्रा भंडार का 66 परसेंट प्रतिवर्ष ईंधन आयात पर खर्च कर रहा है रिपोर्ट तो फॉरन रिजर्व का, तो तो का लगभग लगभग वो कितना छियासठ परसेंट जो है वो किसपे खर्च कर रहा है ईंधन आयात पर मतलब जो पेट्रोल मंगाता है डीजल मंगाता है उसको मंगाने पर जो अपना पूरा पैसा उड़ा देता है छियासठ परसेंट के आसपास किस पर सिर्फ सिर्फ आपका ईंधन मंगाने पर बाकी चीजों की पता नहीं कहां से वो मैनेज करता होगा ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे वेरी गुड तो एक दूसरा तीसरा सवाल आपका ये हो गया राइट आगे, आगे बढ़ते हैं तिरपति बालाजी मंदिर है जहां पे खूब सोना वोना चढ़ाया जाता है कई बार न्यूज में रहा है कि तिरुपति बालाजी मंदिर के पास अथा संपत्ति है तो तिरुपति बालाजी मंदिर ने अपनी संपत्ति की घोषणा की है जो कि बैंकों में जमा है जो बैंकों में जमा है संपत्ति इनकी उसमें दस टन सोना और पंद्रह हजार नौ सौ करोड़ रुपए नकदी जमा है देख रहे हैं लोग भगवान को चढ़ा देंगे लोग भगवान के सामने गड्डिया रख रख चले आएंगे लेकिन किसी गरीब की मदद नहीं कर सकते किसी गरीब को खाना नहीं खिला सकते तो अपने आसपास जो लोग होते हैं उनकी मदद नहीं कर सकते हैं बड़े बड़े अपार्टमेंट बड़े बड़े महलों में रहते हैं सामने झोपल छुट्टी में लोग रहते हैं उनकी मदद नहीं कर पाते हैं लेकिन मंदिरों में चढ़ा के चले आएंगे उसी का नतीजा ये है दस टन सोना दस टन सोना की जरा आज आप कॉस्ट निकालिएगा कितनी होती है एक तोला सोना चल रहा है आई थिंक साठ हजार समथिंग कितने कितने चल रहा है एक तोला तो दस ग्राम तोला जो होता है वो करीब साठ हजार समथिंग का कुछ है ऐसे कुछ है मुझे आइडिया नहीं है मैंने खरीदा नहीं बट इतना ही है आप सोचिए दस टन में जरा गुणा करिएगा कितना हो जाएगा पचपन हजार का है ठीक है तो पचपन हज़ार का एक तोला है यानी कि दस ग्राम है अब दस ग्राम पचपन हजार का है ठीक है सौ ग्राम कितने का हो जाएगा साढ़े पाँच लाख का हो जाएगा और एक किलो कितने का हो जाएगा साढ़े पाँच करोड़ का हो जाएगा ठीक है साढ़े पांच करोड़ साढ़े पांच करोड़ के बाद आपका एक टन कितने हो जाएगा एक टन मतलब होता है सौ कुंटल सौ कुंटल और एक कुंटल बराबर होता है सौ किलो मतलब कैलकुलेस कैलकुलेटर में भी आपकी डिजिट जो है छोटी पड़ जाएंगी इसको काउंट करने में और पंद्रह हजार नौ सौ करोड़ आपका नगद मिला है राइट इसके अलावा एक मंदिर और है जो हमारे साईं भगवान का मंदिर है वहां पे भी लोग बहुत कुछ चढ़ाते हैं बहुत चढ़ावा चढ़ाते हैं साईं मंदिर में तो वहां भी देखिए बहुत कुछ मिलेगा शायद आगे बढ़ेंगे अब कुछ ऐसी खबरें भी आती हैं पालतू तो कुत्ते को खाना खिलाने में देरी के चलते शख्स ने की अपने इक्कीस वर्षीय कजन की हत्या कुछ लोग ऐसा कुत्तों के प्यार में इतने प्यागल पागल हो जाते हैं कि उनको कुत्ते ही कुत्ते दिखाई देते हैं कुत्तों के साथ सोएंगे कुत्तों के साथ गले लग के उस रोएंगे हाँ कुत्ते को अपना सब कुछ मानते हैं बहुत कुछ मतलब पता नहीं क्या है उनके साथ तो यहाँ पे देखो वैसे ही कुछ एक इंसान रहा होगा उसने मतलब कुत्ते को खाना खिलाने में देरी हो गई तो उसने अपने इक्कीस वर्षीय खजन की हत्या कर दी ऐसे लोग भी हैं ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं ये तो कुछ हमारी न्यूज हो गई ऐसी न्यूज़ आपको नहीं पढ़नी है चलो इसके अलावा क्वेश्चन बढ़ते हैं हाँ कुत्तों के बारे में पागल है सही बात है भाई कुछ रियल के कुत्ते हैं कुछ बनावटी कुत्ते हैं कुत्ते तो कुत्ते हैं खैर पहला क्वेश्चन देश में पहली बार सीआरपीएफ में आईजी पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बन गई है बताएच बिकम द फर्स्ट वुमेन इन द कंट्री टू बी अपॉइंटेड एज आई जी इन द सीआरपीएफ. आर पी एफ तो आंसर हो जाएगा आपका गुंजन सक्सेना श्री विद्या राजन मिताली मधुमिता एंड द सीमा ढूंढिया चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा सीमा ढूंढिया तो आंसर क्या हो जाएगा आपका कई आंसर हो जाएगा सीमा ढूंढिया इज द राइट आंसर तो सीमा ढुंडिया जी जो है अभी हाल ही में हमारी पहली वुमेन बनी है जो कि अपॉइंट की गई है एज ए आई जी इन द आर पी एफ ये बहुत बड़ी बात है ठीक है एक टाइम पर आर्मी में लोग मतलब वुमेन्स को अलाउड नहीं था अभी देखो यहाँ पर आई जी की जो हेड बन गई है राइट चलिए आगे बढ़ेंगे गुड मॉर्निंग बुल बाबूलाल चौहान सॉरी इंदूलाल चौहान आगे बढ़ेंगे आप कुछ क्वेश्चन ऐसे और आते हैं जैसे कि आर्मी से जुड़े हुए अगर देखें हम लोग तो अटॉर्नी जनरल के रूप में नामित किया गया किसको हाल ही में तो भारत के नए अटोर्नी जनरल जो बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं कौन आर वेंकट वेंकट रमणी रमणी तो आर हो जाएंगे इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है तो अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल सिविल एवियशन ऑर्गेनाइजेशन एयर ट्रांसपोर्ट इनका नाम हो जाएगा शेफाली जुनेजा शेफाली जुनेजा हो जाएगा ठीक इसके अलावा एक सवाल और बनता है यहाँ से

इज नोन एज संजय मल्होत्रा तो संजय मल्होत्रा जी को बनाया गया है और इसी के साथ साथ देखेंगे कि हाल ही में किसे कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है तो कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा वो जाएंगे हमारे कौन मल्लिकार्जुन खड़गे तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो जाएंगे जिनको यहाँ पर नियुक्त किया गया है क्लियर मेरे दोस्त चलो ये हो जाएंगे मल्लिकार्जुन राइट मल्लिका अर्जुन है मल्लिका अरोड़ा नहीं है चलिए आगे बढ़ेंगे इसके अलावा देखते हैं यहाँ पर किस राज्य सरकार ने लड़कियों के लिए लाडली लक्ष्मी टू पॉइंट ओ वित्तीय सहायता योजना की शुरुआत की है तो स्टेट गवर्नमेंट हैज लाडली लक्ष्मी फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम फॉर द गर्ल्स एम छत्तीसगढ़ या फिर आपके झारखंड या फिर आपका तमिलनाडु बताएं तो लाडली योजना कहा की थी बेटा लाडली योजना थी हमारी किस जगह की MP की थी, थी तो लक्ष्मी जी आती थी क्लास करने एक लक्ष्मी शुक्ला आती थी एक लक्ष्मी मिश्रा आती थी दोनों ही गायब हैं राइट दोनों ही लक्ष्मी क्लास से जा चुकी हैं खैर आगे बढ़ेंगे किस राज्य के उप मुख्यमंत्री के द्वारा वंदे मातरम पहल शुरू किया गया है तो बंदे मातरम जो पहल है जिस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है वो जाएगा हमारा कौन सा महाराष्ट्र तो जिस तरीके से हमने अभी ये वाला क्वेश्चन देखा जैसे कि राज्य के द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है उससे जुड़े हुए कुछ और योजनाएं देख लेते हैं जैसे कि पहली हो जाएगी वंदे मातरम किसके द्वारा महाराष्ट्र के द्वारा और यहाँ पर आप देखेंगे एक सोलर रूफ टॉप प्रोजेक्ट जो है वो शुरू करने का निर्णय लिया है कौन सी गवर्नमेंट ने तो यहाँ पर याद देखेंगे कि सोलर रूफ टॉप बनाया जाएगा किस गवर्नमेंट के द्वारा यूपी गवर्नमेंट के द्वारा यानी कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा और यहाँ पे अगर बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म जिसका नाम हो जाएगा हर स्टार्ट हर स्टार्ट लॉन्च किया है तो हर स्टार्ट लॉन्च किया, किया किसने बेटा अहमदाबाद ने लॉन्च किया किसने लॉन्च किया है अहमदाबाद ने इसको लॉन्च किया है ठीक है आगे बढ़ेंगे इसके अलावा देखेंगे कि गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है तो गति शक्ति पोर्टल लॉन्च किया किसने हमारे गुजरात में लॉन्च किया है गति शक्ति पोर्टल ठीक है बचुआ चलो आगे बढ़ेंगे अब यहाँ से अगला क्वेश्चन आता है क्या किसके द्वारा इन्वेस्ट कर्नाटक टू ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का उद्घाटन किया गया है यह सवाल आपसे यह भी बन सकता है कि हाल ही में ग्लोबल आपके इन्वेस्टर्स मीट हुई है वो तो कहाँ पर हुई है तो हो जाएगी कर्नाटक हो जाएगा किस किसने इसको इनोग्रेट किया है तो चार ऑप्शन आपके पास हैं और इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा मोदी जी आंसर अच्छा मोदी जी होंगे कई डांस हो जाएगा बेटा आपका मोदी जी हो जाएंगे तो आजकल सारे उद्घाटनों में लगे हुए मोदी जी वेरी गुड तो यहां से हो जाएगा मोदी जी हो जाएंगे ठीक है चलो भाई अब यहां से देखो कुछ सवाल और बनते हैं जैसे कि देखा जाए कि एक राज्य है वहां पर एक पंचायत है जो कि एक डिजिटल साक्षरता वाली पहली पंचायत बनी है और उसका नाम हो जाएगा कौन सा पुल्लम पारा हाँ पुलम पारा हो जाएगा और ये पुल्लम पारा जो पंचायत है जो कि डिजिटल साक्षरता वाली पंचायत बनी है ये हो जाएगी हमारी कौन सी जगह हो जाएगी यहाँ पर केरल ठीक है इसके अलावा एक राज्य में शांति और अहिंसा विभाग बनाने के लिए लेकर राज्य के राज्यपाल ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है तो कौन सी स्टेट हो जाएगी वो जिसे मंजूरी दी है तो वो हो जाएगी स्टेट हमारी कौन सी राजस्थान हो जाएगी इसको नोट कर लीजिए राजस्थान नोट कर लीजिए राइट राजस्थान नोट कर लीजिए एंड इसके अलावा जो हमारी महिला और बाल विकास मंत्रालय है ठीक है चिल्ड्रन एंड द वुमेन आपका मिनिस्ट्री जो है उसने हाल ही में एक पोषण उत्सव बनाया है पोषण उत्सव तो ये पोषण उत्सव कहाँ मनाया गया है पोषण उत्सव यहाँ पर यहाँ पर दिल्ली मनाया गया है क्योंकि देखो यहाँ पता क्या है बहुत सारी महिलाएं बहुत सारी बच्चियां ऐसी रह जाती हैं जिनको सही पोषण नहीं मिल पाता है जिनकी जिनका विकास जो है वो नहीं हो पाता है खासकर महिलाओं में जो प्रेगनेंसी के टाइम पर या प्रेगनेंसी के बाद जो उनकी देखभाल होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है क्योंकि कुछ लोगों के पास खाने को खाना भी नहीं होता है तो यहाँ पर ऐसी देखभाल करना मतलब पॉसिबल भी नहीं होता है तो ऐसे केस में गवर्नमेंट के द्वारा कई सारी योजनाएं चलाई जाती हैं उसमें एक योजना आपकी ये भी है जिसका नाम है पोषण उत्सव ठीक है और हमारी सोसाइटी ने भी मतलब बहुत ज्यादा मतलब कम अत्याचार नहीं किए हैं वुमेन्स ने और वुमेन्स पर अत्याचार करने का जो जो मतलब सबसे ज़्यादा जो दारोमदार है ना जो डोमेस्टिक अत्याचार होते हैं उसमें महिलाएं ही हैं राइट right? जैसे कि कभी कभार ये होता है पोता किसको चाहिए दादी को चाहिए और कई बार तो ये देखा गया है कई सारी किताबों में नॉवल्स में आप पढ़ोगे कि घर में अगर लड़का लड़की दो हैं बोले पोता पोती दो हैं तो जो पोता होगा उसको अच्छी डाइट मिलेगी दूध बादाम वगैरह सब कुछ उसको अच्छा मिलेगा कपड़े अच्छे मिलेंगे तो ऐसा भी कुछ परिवारों में किया गया है और किसने किया है ये दादियों ने किया है राइट right? दहेज किसको चाहिए होता है सासुओं को चाहिए होता है घर में काम का कौन कौन ज़्यादा करवाता है सासुओं करवाती हैं राइट ये चीज़ें याद रखिएगा ठीक है ये चीज़ें सब सरकार मतलब और ऊपर से दिवरानी जेठानी होती है उनमें आपस में लड़ाई एक दूसरे का शोषण कौन करता है महिलाएं करती हैं तो यही सब चलता रहता है भाई चलो किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन थ्री ओ का शुभारंभ किया गया है तो फिट इंडिया फ्रीडम थ्री पॉइंट ओ का शुभारंभ किया है, गया है कौन अनुराग सिंह ठाकुर अनुराग सिंह ठाकुर ने किया गया, गया राइट अनुराग सिंह ठाकुर ठीक है चलिए हाँ औरत बनी औरत के दुश्मन औरत बनी औरत के दुश्मन चलो भाई आगे बढ़ेंगे इसके अलावा देखेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में भारतीय जनसंचार संस्थान उत्तर प्रदेश उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिसर का उद्घाटन किया है एक स्टडी आई थी मैं पढ़ रहा था एक जगह एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि जो ये मेकअप होता है मेकअप तो ये मेकअप बहुत कम लोग जैसे दो परसेंट या तीन परसेंट जो महिलाएं लड़कियां हैं जो अपने आप को अच्छा देखने के लिए करती हैं बाकी नाइनटी सेवन परसेंट जो लड़कियां या औरतें होती हैं वो मेकअप करती हैं इनसिक्योरिटी में कि कहीं पार्टी में जा रही हैं तो उनसे अच्छा कोई ना लगे वो सबसे अच्छी दिखें इसलिए मेकअप करती हैं इनसिक्योरिटी में करती हैं कहीं जा रही हैं पार्टी में कहीं शादी में फंक्शन में कहीं भी तो वो इन्सिक्योरिटी आती है वो नाइन्टी सेवन परसेंट महिलाएँ या लड़कियाँ जो है इनसिक्योरिटी में मेकअप करती हैं वरना जो इनसिक्योर नहीं है वो उन्हें ज़्यादा मेकअप वेकअप की टेंशन नहीं होती है और ऐसी संख्या बस दो तीन परसेंट ही है एम आई राइट ये लोग हंस रहे कौन हंस रहा है दो लड़कियाँ हंस रही हैं राधा एंड द मीनल हाँ उसको कोई ज़्यादा देख रहा है मुझे नहीं देख रहा है मेरा क्या होगा हाँ जब तक पंद्रह बीस लोग ना देखें तब तक मेकअप करना मतलब सफल ही नहीं होता है हुँ? चलो तो अब असम हो जाएगा मिजोरम हो जाएगा नागालैंड हो जाएगा त्रिपुरा हो जाएगा तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ इनोग्रेटेड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द मास कम्युनिकेशन नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल कैंपस इन द बीच स्टेट तो आंसर क्या हो जाएगा आंसर बेटा मिजोरम हो जाएगा राइट मिजोरम नहीं मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं सही बोल रहा हूँ ये लड़कियाँ जो क्लास देख रही हैं सारी जानती होंगी कि मैं सही बोल रहा हूँ मैंने गलत नहीं बोला है ठीक है और कहीं अगर धोखे से कोई अगर बिमला गई पार्टी में और बिमला गई और वहाँ पर कमला जो है आ गई एकदम से लच्छेदार बाल बनाकर और बढ़िया दिखी और उनकी दस पंद्रह तारीफ़ें हो गई तो पता लगे कि बिमला का दो दिन दिमाग ख़राब कि भाई साहब कमला की तारीफें हो गई कमला के बाल बहुत अच्छे लग रहे थे कमला के लच्छेदार बाल तो ये कमला कहाँ गई थी पता करो कौन सा प्रोडक्ट लगाती हैं

नहीं कल मैं ऐसे बैठे बैठे सोच रहा था मैं थोड़ा बहुत लिखता भी हूँ ना और थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बहुत सोसाइट मतलब मेरा सब्जेक्ट सोशोलॉजी एंड द फॉसफी है तो थोड़ा बहुत पढ़ता भी हूँ तो इसमें सोच रहा था कि जो आईफोन खरीदते हैं आईफोन खरीदने वाले लोग जो है जिस तरीके से मेकअप की मैंने कहानी तुमको सुनाई ठीक है तो ये भी एक फिलोसफी है ये भी एक सोची हुई चीज़ है जैसे आईफोन वाले भी देख लो तो ये जो चीज़ें चल रही है ना ये नाइन्टी लोग इसमें जो है वो फ़ोन लेते हैं आईफोन दिखावा करने के लिए समाज में अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए तो उनको लगे कि उनका स्टेटस अच्छा ऊंचा है लोग देखे तो बोले अरे वाह तुम तो आईफोन चलाते हो तुम तो बहुत अमीर बन गए हो अरे वाह तो इस फीलिंग को इस फीलिंग को वो इस फीलिंग को मतलब ग्रैप करने के लिए और अपने आप को खुश करने के लिए आईफोन ख़रीदते हैं नाइन्टी परसेंट लोग दस परसेंट लोग ऐसे होते हैं जिनको उसका यूज होता है एक्चुअली में कि उनके फंक्शन वगैरह बाकी यूज होते हैं बाकी नाइन्टी परसेंट में करीब सत्तर परसेंट लोग ऐसे होते हैं कि जो उसका फ़ोटो उसका कैमरा उसकी वीडियो क्वालिटी और उसका कुछ एक दो फंक्शन छोड़ के बाकी उसके फंक्शन जानते भी नहीं उसमें फंक्शन क्या क्या है बारह आएगा बारह छोड़ के तेरह ले लेंगे ठीक है और ये बात जो वो बनाते थे ना फोन का कवर फोन का कवर बनाने वाले भी ये बात जानते थे इसीलिए उन्होंने बीच में क्या कर दिया वो गोला बना के कट मार दिया कि वो आईफोन का जो कटा हुआ सेव है वो दिखना चाहिए तो ये है दिखावे की दुनिया है तो मेकअप हो गया चाहे आईफोन हो गया चाहे छोटे छोटे कपड़े हो गए या न्यूडिटी हो गई क्यों होता है जिसकी अच्छी बॉडी होती है वो ही दिखाता है

मतदाता जागरूकता के लिए रेडियो श्रृंखला मतदाता जंक्शन का शुभारंभ किया गया है तो जाएगा हमारा कौन सा चुनाव आयोग हो जाएगा राइट कौन सा हो जाएगा इलेक्शन कमीशन हो जाएगा क्लियर इलेक्शन कमीशन हो जाएगा चुनाव आयोग गौरव राउतरे गौरव राउत जी आप उड़ीसा के हैं क्या गौरव राउतरे गुड मॉर्निंग राउतरे राउतरे आप उड़ीसा से बिलोंग करते हैं क्या राउतरे जी आगे देखेंगे इसके अलावा खादी विकास और ग्रामोद्योग आयोग ने एक से पंद्रह अक्टूबर तक कहा स्पूर्ति मेला का आयोजन किया गया है तो वेयर इज द खादी डेवलपमेंट एंड द विलेज इंडस्ट्री कमीशन ऑर्गेनाइज द स्फूर्ति मेला फ्रॉम द एक से पंद्रह अक्टूबर आपका हो जाएगा न्यू दिल्ली हाँ मुझे पहली बार राउतरे दिखा मतलब जिंदगी में दूसरा राउतरे दिखा मुझे एक राउतरे मुझे कॉलेज में कॉलेज में दिखा था और जिंदगी में मुझे दूसरा राउतरे दिखे हैं चलो बढ़िया आगे बढ़ते हैं इसके अलावा देखते हैं कि दक्षिण कोरिया और किस देश के बीच ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉम अभ्यास आयोजित किया गया है

अंकिता सिंह दिखे या दिखी बेटा दिमाग दर्द हो जाएगा दिमाग मत लगाओ आगे बढ़ते हैं कुछ सवाल और हुए पर्यावरण मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में चीता चीता टास्क टास्क फोर्स का टास्क फोर्स का गठन किया है तो चीता टास्क फोर्स बनाया जा रहा है किसके द्वारा यहाँ पर आलोक कुमार के द्वारा किया गया है इसका अध्यक्षता में बनाया गया है चीता टास्क फोर्स ठीक है चीता टास्क फोर्स और अगर यहाँ पे देखा जाए कि भारत और किस देश की सेनाओं ने टाइगर ट्रंप अभ्यास किया है तो टारगेट ट्रंप अभ्यास करने वाली हो जाएगी कौन अमेरिका के साथ किया है भारत में। और भारत ने और और किस देश के बीच एयरफोर्स का संयुक्त जिसका नाम है गरुण गरुण किया गया है। तो गरुण हो जाएगा फ्रांस और इंडिया के बीच में और सिम्बैक्स टू थाउजेंड का आयोजन जो किया गया है वो किया गया कहा पर पट्टनम में किया गया कहां किया गया है विशाखापटनम किया गया है ठीक है सिम्बैक्स टू टू <coughs> चलिए

और आंसर क्या होगा यहाँ पर बेटा आंसर होगा यहाँ से हरिद्वार चलिए आंसर जाएगा यहाँ से बेटा कौन सा दिल्ली हो जाएगा हाँ 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 मुझे बता था तो तुम लोग तो दिमाग लगाओगे यही वाला दिमाग लगाओगे दिल्ली तो हो ही नहीं सकता दिल्ली में तो गंगा जाके बहती ही नहीं है लेकिन दिल्ली ही इसका आंसर है इसका आयोजन कहाँ किया गया है दिल्ली में किया गया वेरी गुड काजल बहुत ही बढ़िया दिल्ली इज द राइट आंसर हो जाएगा ठीक है चार नंबर को क्या गया था साढ़े दस बजे से साढ़े आठ बजे तक रात के दिल्ली क्लियर भाई चलो अब यहां से देखते हैं कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस शहर में अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर का उद्घाटन किया है तो अखिल भारतीय अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर का उद्घाटन किया है कौन हो जाएगा हमारा केंद्रीय मंत्री तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली आंसर क्या हो जाएगा न्यू दिल्ली हो जाएगा राइट नई दिल्ली ठीक है चलिए हाँ इसका आयोजन जो किया गया दुबे जी वो किया गया है उत्तराखंड में मतलब दिल्ली में किया गया है, है तो उत्तराखंड का फेस्टिवल लेकिन इसका कभी कभार मीट जो होती है वो कर ली जाती है और इसकी मीट जो की गई है वो दिल्ली में की गई है ठीक है बेटा दुबे जी गरिमा दुबे इसके अलावा किस शहर में अमित शाह की अध्यक्षता में तेईसवीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन किया गया है तो इन विच सिटी द ट्वेंटी थर्ड सेंट्रल जोनल काउंसिल मीटिंग हैज हैजबिन ऑर्गेनाइज तो हो जाएगा हमारा कौन सा भोपाल में हुई है तो मीटिंग देख लीजिए एक बार आप लोग जैसे अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर नई दिल्ली फिर आपका आ जाएगा सेंट्रल जोनल काउंसिल मीटिंग भोपाल इसके अलावा यहाँ पर जाएगा इंडियन रोड कांग्रेस तो हो जाएगा कहाँ से बेटा लखनऊ से किया गया इसका उद्घाटन ठीक है और यहाँ पर जीआई महोत्सव 2022 जो बनाया गया है जीआई महोत्सव 2022 वो हो जाएगा आपका कौन सा वाराणसी हो जाएगा कौन सा जाएगा? हो जाएगा वाराणसी हो जाएगा ठीक है चलो भाई ठीक है दोस्त बढ़िया अब यहां से सवाल आता है कि किस राज्य सरकार ने बच्चों की अनुकूल पुलिस थाने की घोषणा की है तो बिज स्टेट गवर्नमेंट हैज द चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिसी स्टेशन तो हिमाचल प्रदेश या फिर उड़ीसा या फिर, फिर तेलंगाना तो किस राज्य सरकार ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है हिमाचल प्रदेश उड़ीसा महाराष्ट्र एंड तेलंगाना आंसर क्या हो जाएगा जरा बताइए उड़ीसा आया बच्चों का आंसर चलिए बच्चे मन के सच्चे तो आंसर क्या हो जाएगा आंसर बेटा आपका उड़ीसा सॉरी उड़ीसा इज द राइट आंसर आगे बढ़ेंगे किस राज्य सरकार ने भूजल स्तर में सुधार करने के लिए वर्षा जल संचय योजना शुरू की है देखो अब यहाँ पे देखो एक चीज है उड़ीसा है गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज हैं इन सब से जुड़े हुए सवाल और देख लेते हैं जैसे कि भूजल स्तर में सुधार के लिए मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए एक योजना शुरुआत की है किसने की है उड़ीसा ने की है इसके अलावा एक राज्य सरकार ने महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का शुभारंभ किया गया है महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना और ये हो जाएगा स्टेट हमारा कौन सा छत्तीसगढ़ हो जाएगा एंड इसके साथ साथ में किस राज्य सरकार ने किसानों को एक विशिष्ट फार्म आईडी प्रदान करने की योजना बनाई है तो द स्टेट गवर्नमेंट प्लान टू प्रोवाइड अ यूनिक फॉर्म आईडी टू द फार्मर्स इसका नाम हो जाएगा कौन सा बेटा आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा कौन हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएंगे ठीक? इसके अलावा किस राज्य सरकार ने आरक्षण को 6 से बढ़ाकर तो बढ़ा स्टेट हो गई है, कौन सी? तेलंगना। तेलंगना हो गई है। और यहाँ पर एक राज्य सरकार ने सीएम उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना का शुभारंभ किया है किसके द्वारा की गई है उत्तराखंड के द्वारा कौन हो जाएगा यहाँ पर उत्तराखंड हो जाएगा राइट उत्तराखंड इज द राइट आंसर वेरी गुड क्लियर भाई चलिए काजल अंकिता प्रशांत मीनल राहुल आशीष राहुल राज आशीष पटेल बढ़िया चलिए रावतरे साहब कहाँ गए रावतरे साहब आ गए रावतरे साहब हैं कि चले गए चले गए आई थिंक चलो भाई किसे भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है तो एस चीफ ऑफ द सदर कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी अजय सिंह विक्रम शर्मा प्रवीण कुमार और द दिनेश खन्ना बताए बेटा जल्दी से किसे भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है तो आंसर हो जाएगा यहां पर अजय सिंह राइट आगे, आगे बढ़ेंगे ठीक है अगला क्वेश्चन यहां से देखेंगे क्या आता है कि केंद्र सरकार ने किसे गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून ट्रिब्यूनल का पीठासीन पीठा अधिकारी नियुक्त किया है तो जाएंगे दिनेश शर्मा को अपॉइंट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा द प्रसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ट्रिब्यूनल तो जस्टिस दिनेश शर्मा जी हो जाएंगे ठीक <coughs> दिनेश शर्मा इसके आगे देखेंगे बेटा यहाँ पर कि सी जॉर्ज किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं तो सीबी सी बी जॉर्ज कहा पर बेटा जापान हो जाएगा राइट तो जापान के यहाँ पर अगले हमारे राजदूत जो हैं वो नियुक्त किए गए हैं कहा के जापान के कौन सी जॉर्ज पर जापान में ठीक इसके आगे भारत के लखनऊ की रहने वाली जागृति तो यादव तो आप जाएगा आपका ब्रिटेन हो जाएगा कहाँ की उच्चायुक्त बनाई गई है कहा की ब्रिटेन की बनाई गई है ठीक है तो ब्रिटेन यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा इसी के अलावा किसने सेबी में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है तो तो आपका कौन सा अनंत नारायण गोपाल कृष्ण अनंत नारायण गोपाल कृष्ण हाँ एक दिन का सीएम नायक जैसे वैसे उसी टाइप में और यहाँ पर डॉक्टर आदेश शिक्का को किस देश के भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है तो डॉक्टर आदेश शिखा हैज बिन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ दिच कंट्री इज नोन एज द कुछ राइट तो ये सब पॉइंट आप लोग याद रखियेगा तो देखो क्लास का हम लोगों का यही यूएसपी है कि एक सवाल करते हैं इसके ऊपर जो भी सवाल बन सकते हैं वो सारे जुड़े सवाल हम लोग देख लेते हैं राइट और ये बहुत ही अच्छा तरीका है करंट अफेयर्स को पढ़ने का ऐसे पढ़ते चले जाओगे तो छः महीने में आप करंट अफेयर्स भूलोगे नहीं अगर आप इतना पढ़ रहे हो अगर इतना तो याद रहेगा कम से कम ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है वर्ल्ड सुनामी अवार्ड डे इज़ ऑब्जर्व ऑन एक नवंबर दो नवंबर तीन नवंबर चार नवंबर विश्व सुना, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस सुनामी अवेयरनेस डे का मनाया जाता है पांच नवंबर <coughs> चलिए तो आंसर आंसर हो जाएगा बैठा आपका कौन सा पांच नवंबर हो जाएगा राइट पांच नवंबर हो जाएगा पांच नवंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा ठीक है पांच नवंबर इसके अलावा देखेंगे यहां पर कि पंद्रह अक्टूबर को मनाया जाता है वैश्विक हाथ धुलाई दिवस तो ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे पंद्रह अक्टूबर मनाया जाता है आपका कौन सा वर्ल्ड व्हाइट कैंड डे यानी कि सफेद गन्ना दिवस पंद्रह अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व छात्र दिवस यानी कि वर्ल्ड स्टूडेंट डे सोलह अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड फूड डे सोलह अक्टूबर को भी मनाया जाता है वर्ल्ड एनस्थीसिया डे और सोलह अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड स्पाइन डे और सत्रह अक्टूबर को मनाया जाता है कौन सा इंटरनेशनल डे फॉर द इिडिकेशन ऑफ द पॉवर्टी तो गरीबी अनुमूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है सत्रह अक्टूबर को तो कुछ हमारे दिन जो है और याद कर लीजिएगा सुनामी अवेयरनेस कैसे करेंगे उसके बारे बताएं में बताएंगे जो कोस्टल एरियाज में लोग रहते हैं उनके बारे में जागरूकता उनको देनी चाहिए ठीक है और जो जो नाविक वगैरह होते हैं मछुआरे वगैरह होते हैं उनको अवेयरनेस देनी चाहिए कि जब कभी लगे आपको लहरों का क्या है तो आपको बाहर आना चाहिए अंदर रहना चाहिए ऐसे कुछ आपको बताते हैं ठीक है ठीके? तो ये है सुनामी अवेयरनेस ठीक है हमारे काम का नहीं है ठीक है जो लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं उतने सारे लोगों का है ठीक है चलो अगला क्वेश्चन किस राज्य में भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक जम्बे ताशी का निधन हो गया है तो इन विच द स्टेट दिटिंग भारतीय जनता पार्टी एम एल ए जम्बे तासी हैज अवे सिक्किम उड़ीसा अरुणाचल एंड द केरल बताए सिक्किम उड़ीसा अरुणाचल और द केरल जम्बे ताशी तो जम्बे ताशी जो है आपके एमएलए थे सिटिंग एमएलए थे कहां के बेटा अरुणाचल प्रदेश के इन लोगों के बाल बहुत अच्छे होते हैं ना नॉर्थ ईस्ट वाले लोगों के बाल और स्किन स्किन और हेयर काफी बढ़िया होते हैं स्किन क्वालिटी बहुत अच्छी होती है पोर्स क्वालिटी अच्छी होती है और जो बाल होते हैं हेयर्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं ड्यू टू द इन्वायरमेंट एंड द क्लाइमेट हाँ सिल्की सिल्की बाल होते हैं सिल्की सिल्की बाल मिल्की मिल्की गाल चलिए आगे बढ़ेंगे महिला अधिकार कार्यकर्ता सेवा किस संस्था का निधन हो गया है तो यहाँ पर वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट है जिनका Which of the Seva, has away, तो जाए इनका नाम एला भट्ट हो जाएंगे राइट एला भट्ट इस right चलो आगे बढ़ेंगे मेरे जैसे मेरे कौन से सिल्की हैं एला भट्ट अच्छा एला भट्ट से याद आया रणवीर कपूर और अलिया भट्ट जो है मम्मी पापा बन गए हैं और उनके यहाँ एक बेटी ने जन्म लिया है राइट तो डॉटर हुई है उनको चलो और बहुत क्यूट हुई होगी मुझे पक्या किए रवि कपूर आलिया भट्ट की बेटी वो कितनी क्यूट हो चलिए मशहूर हॉलीवुड फ्रेंचाइजी हैरी फॉर्डर में रूबियस है भूमिका निभाने वाले किस अभिनेता का निधन हो गया है तो विच एक्टर हु प्लेड द रोल ऑफ द रूबियस द फेमस हॉलीवुड फ्रेंचाइज हैरी पॉटर हैज फास्ट अवे इसका नाम हो जाएगा रॉबी कॉल्ट्रेन रॉबी कॉल्ट्रेन हो जाएगा क्लियर रॉबी कॉल्ट्रेन चलो आगे बढ़ेंगे अब देखेंगे यहाँ से कि दुनिया के किस सबसे उमदराज शतरंज ग्रैंड मास्टर का निधन हो गया है तो हमारे ओल्डेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर हो जाएंगे उनका नाम है यूरी एवरबक यूरी एवरबक उनका निधन हो गया है और ओ आर एस के जनक माने जाने वाले अभी हाल ही में उनका निधन हो गया था कुछ दिन पहले न्यूज में था तो वो नाम हो जाएगा कौन दिलीप मालनोबिश और दुनिया के सबसे गंदे आदमी अमो हाजी का निधन हो गया है ये किस देश के रहने वाले थे वर्ल्ड डर्टीएस्ट मैन अमो हाजी हैज अवे तो वाज फ्रॉम द बिच कंट्री ईरान देख लो ऐसे ऐसे भी रिकॉर्ड है कि विश्व का सबसे गंदा आदमी ठीक है डर्टीएस्ट पर्सन चलो इतनी जल्दी कैसे हुआ नाइन मंथ नहीं हुआ था अभी तो बेबी शावर लास्ट मंथ हुआ अच्छा ऐसा नहीं होता आजकल लोग डाइटिंग वाइटिंग करते हैं और अच्छा सा फिजिक वगैरह का ध्यान रखते हैं कपड़े वैसे आ गए हैं तो बेबी सोवर ज्यादा नहीं शो करता एक महीने पहले ही करता है बाकी लोग नहीं दिखाते हैं ठीक है इन बातों पर ध्यान मत दो कोई मतलब नहीं है इसका ठीक है छह महीने शादी की हुई जरूरी थोड़ी नहीं शादी के बाद कोई ऐसा होता है कि शादी के बाद ही बच्चा पैदा हो सकता है ऐसा कुछ थोड़ी ना है चलो तो बाकी स्टडी जी के देख लेते हैं जरा आगे बढ़ेंगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर जैसे कि अगर पूछा जाए कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है तो मौलिक फंडामेंटल ड्यूटी जोड़े गए थे को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था तो जाकर सबने आंदोलन शुरू किया था महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए और अगर यहां से पूछा जाए उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है तो उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात करेंगे यहाँ पर कौन हो जाएगा यहाँ पर हो जाएंगे हमारे संसद सदस्य चुनाव करते हैं किसका उपराष्ट्रपति का मतलब राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर मिलकर करेंगे ठीक आगे बढ़ेंगे चलिए राम राम आलू ले लो गोभी ले लो प्याज ले लो ठीक है आलू गोभी प्याज मसाला भी बेच लेते तेल भी बेच लेते हाँ क्या नाम रखे हो भाई साहब गजब खैर विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है तो वेर इज द विजय स्तंभ लोकेटेड तो विजय स्तंभ पड़ता है कहाँ पर चित्तौड़गढ़ में पड़ता है और अमरकंटक जो है किस नदी का उद्गम तो स्थल हो जाएगा तो नर्मदा नदी निकलती है वो कहां से निकलती है अमरकंटक से निकलती है इसके अलावा आयने अकबरी पुस्तक लिखी है जिसको अकबर नामा भी कहते हैं तो जाएंगे अबुल फजल ने लिखी है और एक शब्द होता है बुली तो बुली किस खेल का शब्द हो जाएगा तो जाएगा कौन सा बेटा हॉकी हॉकी खेल होता है कौन सा बेटा बुली ठीक है बुली इज राइट आंसर सुप्रभात रजनी सुप्रभात चलो अब आता है आपका कोई टाइम आता है फटाफट हम लोग आंसर करेंगे यहां पे आपको तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं और उन स्टेटमेंट बताना आपको कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है चलिए में विचार करिए बताइए मुझे कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है चलो पहला आ जाएगा आंसर कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली सक्रिय रॉकेट स्पेस एक्स का फॉल्कन का हैवी फ्लोरिडा के, केप कैबिनेबल से एक नवंबर 2022 को तीन साल से अधिक समय में पहली बार लॉन्च हुआ मैंने आपको यह चीज कराई हुई है <coughs> दूसरा यह अमेरिकी अंतरिक्ष बल के लिए उपग्रहों के एक समूह को ऑर्बिट में ले जा रहा है तीसरा यह स्पेस एक्स द्वारा फोल्कन हैवी का पांचवा लॉन्च था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा सही हो जाएंगे आपके एक और दो एक और दो होंगे राइट तो ये पांचवा नहीं है पांचवा लॉन्च नहीं है पांचवा लॉन्च नहीं है राइट ठीक है ये गलत है यहाँ पर तो आंसर हो जाएगा वन एंड टू इज द राइट right. आगे बढ़ेंगे इसके अलावा था है कि नवंबर दो में नीबा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने बैंक के ग्राहक को स्वास्थ्य बीमा समाधान प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ अपनी कॉपोरेट एजेंसी साझेदारी की घोषणा की है तो जाके यहां पर बैठा कौन सा कोटक महिंद्रा बैंक आरबीएल बैंक या फिर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक या फिर इंडस इंड बैंक इनमें से कौन सा हो जाएगा जरा बताएं तो यहां पे आंसर क्या होगा नीबा बूपा हेल्थ

साक्ष्य आधारित व्यापक विश्लेषण करता है अच्छा तीसरा पीसीआई का मुख्य उद्देश्य यह है कि साक्ष्य आधारित नीति निर्माण को बढ़ावा देना और सभी की गई गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यक्रम सुधार को रेखांकित करना इनमें से कौन सा सही होगा यहां बच्चे फिर बता रहे हैं ऑल तो आप लोगों का जो ऑल आंसर है ना ये थोड़ा सा इस बार क्या हो जाएगा आंसर इसका ऑल हो जाएगा सभी हो जाएगा ठीक है इस बार तो ऑल ही होगा चलिए आगे बढ़ेंगे नवंबर 2022 में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया कि है चलो नवंबर 2022 में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है उमेश मिश्रा संजीव चोपड़ा एप्रो जाएंगे आपके संघर्ष शुभमन निगम के या फिर पार्थ सत्याथी कहना यस सम क्वेश्चन जी आलू प्याज पूछ लीजिए आप बेटा तुम्हारे नाम हो जाए ना आलू प्याज गोभी तुम्हारे कोई सब्जी बना के परांठे से, नाम मत रखा करो। से कौन सा? संजीव के मोदी ने नवंबर 2022 में इन सेतु स्लम पुनर्वास परियोजना के हिस्से के रूप में दिल्ली में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कितने निर्मित फ्लैटों का उद्घाटन किया है बताएं तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने नवंबर दो में आपके इन सेतु स्लम पुनर्वास योजना के हिस्से के रूप में दिल्ली में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कितने नव निर्मित फ्लैटों का उद्घाटन किया गया है तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा से चौबीस वेरी गुडेंड ट्वेंटी फोर अगला केरल के किस शहर में चार नवंबर दो हजार बाईस को अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड द एक्सपो का पंद्रवा संस्करण शुरू होगा इन केरला द फिफ्टीन एडिशन ऑफ द अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड द एक्सपो ओपन इन ऑन द चार नवंबर दो हजार होगा बता होगा तो करेक्ट आंसर आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका कोची हो जाएगा राइट क्या हो जाएगा कोची हो जाएगा कोची इज द राइट आंसर ठीक आगे बढ़ेंगे इसके अलावा इंडोनेशिया ने तीन नवंबर 2022 को आर टू ओ शिखर सम्मेलन जी ट्वेंटी के धार्मिक समूह की अध्यक्षता भारत को सौंपी जिसकी मेजबानी नई दिल्ली 2023 में करेगी तो जी ट्वेंटी की स्थापना कब हुई थी किसमें हुई थी उन्नीस सौ निन्यानवे दो हजार सात बेटा तो आंसर हो जाएगा इसका उन्नीस सौ निन्यानवे नाइनटीन में जी की स्थापना जो है वो की गई थी बताइए भाई आलू प्याज सवाल नहीं पूछा तुमने कुछ पूछ रहे थे तुम तो? मैं तो कर रहा देखे तुम्हारा सवाल क्या आएगा <coughs> चलो डिक्शनरी हैज दैट इट इट इज इज द द वर्ड ऑफ ईयर 2022 एज दो हजार बाईस चुका हूँ क्राइसिस हो जाएगा ठीक इसके अलावा हैदराबाद में स्थित मेगा इंजीनियरिंग एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एम ई आई एल को मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी बनाने की परियोजना मिली है मंगोलिया की राजधानी क्या हो जाएगी तो आप हो जाएगा उलन बटार या फिर बयानहोट या फिर फियोंग यांग या जाएगा सियोल बताए बेटा क्या हो जाएगा इधर हैदराबाद स्थित मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एम ई आई एल को मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी बनाने की परियोजना मिली है मंगोलिया की राजधानी क्या हो जाएगी तो मंगोलिया राजधानी सबको बताया क्या आंसर हो जाएगा आपका उलन बटार हो जाती है उलन बटार राहुल ने सही आंसर दिया है राहुल अंकिता काजल और मीनल ठीक है बढ़िया आगे बढ़ेंगे इस अलावा देखते हैं कि किस देश ने अक्टूबर 2022 में सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है बताइए भाई राहुल नाम तो सुना होगा हाँ हाँ स्विट्जरलैंड नॉर्वे डेनमार्क एंड जर्मनी तो किस देश ने अक्टूबर दो में सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है मैंने आपको बताया था न्यूज़ में दिखाया था यह चीज़ तो आंसर क्या हो जाएगा आंसर स्विट्जरलैंड हो जाएगा ये भी मैं आपको न्यूज़ में बता चुका हूँ ठीक है आगे बढ़ेंगे तीन नवंबर 2022 को किस राज्य में अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने देश के सबसे बड़े विंड टर्बाइन जनरेटर डब्ल्यू जी की स्थापना की घोषणा की है तो गुजरात सिक्किम तमिलनाडु एंड द केरला कौन सा होगा अडानी जी ने बताएं फटाफट तो मैं कह रहा हूँ तरफ तो में भी अब मैथ का आंसर क्या लगा क्या था मुझे नहीं पता होता मैं गुजरात लगा था पर देखेंगे गुजरात सही होगा आंसर हो जाएगा गुजरात एकदम से सही हो जाएगा गुजरात एकदम सही हो जाएगा गुजरात को ये लंदन बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं कि गुजरात को लंदन बना देंगे खैर केरल महाराष्ट्र और किस राज्य ने 2020 हजार परफॉर्मिंग ग्रेट इंडेक्स पीजीआई जो जिला स्तर पर स्कूली शिक्षा का आकलन करता है में शीर्ष स्थान हासिल किया है उत्तर प्रदेश गोवा मणिपुर पंजाब तो आंसर क्या हो जाएगा आपका आंसर पंजाब इज में जाएगा राइट पंजाब इज द राइट आंसर वेरी गुड आगे बढ़ेंगे इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेत्यानु ने 120 सीटों वाली इजराली संसद नेसेट इजराइली संसद का नाम क्या है नेसेट है याद रखना कभी कभार स्टेटिंग में पूछ देते हैं करंट से जुड़ा हुआ सवाल कि इजराइली संसद को क्या कहते हैं तो उसको बोलेंगे नेसेट बोलेंगे राइट चौसठ सीटें जीती हैं जिसने उन्हें सत्ता में लौटने की अनुमति मिली है इसराइल की राजधानी क्या है तो आंसर हो जाएगा बेटा क्या जरा पता आंसर हो जाएगा यरूशलेम ठीक है ये भले ही जेरूसलेम लिखा हो जाता है पढ़ते हैं उसको जे साइलेंट होता है ठीक है आगे बढ़ेंगे सीआरपीएफ की दो महिला अधिकारियों को उन्नीस में वर्ल्ड में शामिल होने के बाद पहली बार महानिरीक्षक मैंने बता दिया आपको किया गया है तो सीआरपीएफ की वर्तमान महानिदेशक कौन बनी है डॉक्टर सोजाय लॉल थाउसैन

आपूर्ति के लिए अमेरिकी डॉलर के अपने दीर्घकालिक अनुबंध को विस्तारित किया है तो जी एरोस्पेस एंड द टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड हैव एक्सटेंडेड देयर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट वर्थ यूएसडी हाउ मेनी डॉलर्स एक बिलियन फाइव दो बिलियन एंड द टू पॉइंट फाइव तो आंसर यहां से क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बेटा यहां से कौन सा हो जाएगा एक बिलियन हो जाएगा राइट तो वन बिलियन इज द राइट आंसर हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ेंगे इसके अलावा क्वेश्चन यहां से आता है कि निम्नलिखित पर विचार करें यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर इस स्कैश में पुरुष भारतीय टीम ने नंबर दो दक्षिण कोरिया के चोंगजू में फाइनल में कदर को सीधे सेटों में हराया 2014 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के बाद से भारतीय पुरुष टीम की सबसे बड़ी जीत है इनमें कौन सा सही होगा केवल तीसरा पहला दूसरा पहला तीसरा या पहला दूसरा तीसरा तो आंसर जाकर बैठा आपको कौन सा पहला और तीसरा आंसर जाके बैठा यहाँ से पहला तीसरा वेरी गुड काजल फर्स्ट एंड थर्ड इज़ द राइट आंसर ठीक है चलो टाइम आपका हो चुका है तो यहीं पर मैं खत्म करूंगा बाकी कुछ क्वेश्चन आपके पी में एडेड है उनको देख लीजिएगा पी डी एफ में आपको दे दिया करूंगा तो दोपहर में डाल दिया करूँगा दो ढाई बजे के आसपास पी डी डाल दिया करूँगा ठीक है बाकी आप लोगों को जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए आप लोग वो है आपका ये पे सर टेक्सबुक के नाम से क्लास के पीडीएफ और लिंक आपको यहीं पर लगेगी मिलेगी ठीक है बाकी मिलेंगे हम लोग तब तक के लिए गुड बाय टाटा टेक केयर बाय और जुड़े रहिए साथ में हम मिलेंगे हम लोग कितने बजे शाम को सात बजे तब तक के लिए जय हिंद जय भारत